सो आज आम देखा मैट्रिक्स टू। आई होप तुम समस्ते एलिमेंट्स रो क्वेश्चन नंबर वन रो क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट कर देच। ऑब्वियसली समस्त आसला मेसेजेस समस्ते कंप्लीट कर। नेक्स्ट आम जा कि कनसेप्ट आम मुव करने आग को क्वेश्चन नंबर फाइव अनवर्ड्स। सो ता पूर्वर किसी डेफिनेशंस जोटा कि बहुत इम्पोर्टेंट आगो को आमको जो प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स रो सॉल्व करिया रहे। सो राइट डाउन लिखी दियो पेन पेपर धरिकी बस और लिखी दियो। ओके सो साइड हेडिंग दियो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल कहले कौन गोटे एग्जांपल देली। देख गोटे जिन मन रख प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स रो ही आसे। स्क्वायर मैट्रिक्स रो प्रिंसिपल डायगोनल आसे। सो गोटे एग्जांपल देली आर ऑर्डर ए मैट्रिक्स ऑर्डर केते ऑर्डर हला 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर ऑर्डर हला 3/3। तले डायगोनल देखो गोटे स्क्वायर डायगोनल कौन दीटा डायगोनल आसे। सो जो डायगोनल टा टॉप लेफ्ट रू टॉप लेफ्ट एटा देन एटा कोन तमरो बॉटम राइट टॉप लेफ्ट रू बॉटम राइट जोटा जाउची सेटा को कहा जिवो तमरो प्रिंसिपल डायगोनल। सेमती तमरो आसे जिवो रिवर्स डायगोनल कोटा कहा जिवो रिवर्स डायगोनल जोटा कि तमरो तार उल्टा रिवर्स डायगोनल एटा बॉटम लेफ्ट रू ये गला टॉप राइट क्लियर जोटा तमरो टॉप लेफ्ट रू बॉटम राइट को जाउची सेटा आला तमरो प्रिंसिपल डायगोनल। जोटा बॉटम लेफ्ट रू टॉप राइट को जाउची सेटा आला तमरो रिवर्स डायगोनल फिनिश। देन आसीबा तार किछिटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल को नहीं करे। फर्स्ट टाइप आसीबो डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन लेखो ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो एटा हला डायगोनल टा ए गुडा गला तमर कोनो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा डायगोनल रे कोन रहला डायगोनल रे जहां भी नंबर आसीबो एनी नंबर आउ बाकी सब जहां एलिमेंट रहला जदि जीरो मींस प्रिंसिपल डायगोनल टा को छाडी देले बाकी सब एलिमेंट जदि जीरो हो ताले ताको हमें कहबा डायगोनल मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट आसला स्केलर मैट्रिक्स कौन व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स आर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अदर कोई लोची ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल एग्जांपल देखो इक्वल एंड ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देन नेक्स्ट आ गोटे टाइप ऑफ मैट्रिक्स जोटा कि तमरो आइडेंटिटी और
unit matrix. Okay, identity or unit matrix, identity or unit matrix. Eta hochi amar jodi diagonal related third type. All elements of principal diagonal are one, and all non principal diagonal elements are 0. Example 1 1 1, then 0 0, then 0 0 0 and 0. So author ko use definition, all elements of principal diagonals are 1 1 wala, and all non principal diagonals elements are 0. jete sab non principal diagonal element achi sab udako 0. So this is all about three types of matrix related to diagonal of matrix. Next time concept kuch next time asiva algebra of matrices. Algebra of matrices re tamara asijibo equality of matrix, then tamara addition, subtraction, multiplication, esobu asibo amaro algebra of matrix. One by one dekhiba prathame ame dekhiba equality between matrices. Equality between write down likhi dio eta likhi dio equality between matrices. Suppose matrix A1 equal to A2, suppose data matrix equal. Okay, condition kono condition ko condition re data matrix equal he pare. Dekho condition 1 hala order of the matrices are equal. Order ta equal hethu padivo nole data matrix equal hoboni. Tar order means order mane kono m by n. M represents number of rows, n represents number of columns. Suppose A1 matrix ro row of column ala m1 n1, A2 matrix ro row of column ala m2 n2, then according to our condition m1 n1 is equal to m2 n2, m1 n1 is equal to m2 n2 hele hi tamaro data matrix kon hobo equal hobo, nole equal he paribo nahi. First matrix ro rows and column should be equal to second matrix rows and column. Then next, the respective elements are also equal. अच्छा गोटे matrix रो element को हमें केमते represent करचे, हमें represent करचे a i j. I टा होची row, j टा होची column. Suppose a1 matrix रो elements ला, suppose हमें गोटे elements ना बा a1 रो गोटे elements ना बा, suppose a1 2 3, अर अर्थ कौन हो first matrix रो second row third column equal to a2 second matrix रो second row third column equal of respective elements always equal. आओ थोड़े पुनी देखिवा देखो data condition order of the matrices are equal. Example
m1 m1 is equal to m2 m2. The respective elements are equal, are also equal. The respective elements are also equal. Okay. So that the a1 equal to a2 above, m1 m1 is equal to m2 m2 means first order to equal above. Order equal all the kaun hoba? Respective element a1 2 3 equal to a2 2 3. Clear? Data condition: first, number of rows equal to number of columns. Then second, respective elements are also equal. Then what example number? Suppose what a data matrix achi, say 3 rows and 3 columns, 3 into 3. Suppose it equal to achi A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, it among the 3 into 3. Suppose a data matrix equal the tale kon hobo, respective elements are also equal. Suppose pachala tum what is the value of a, eta kon 1 1 first row first column, so it ke hoche first row first column with 3, a equal to 3. Suppose c ro value pachala, c first row third column, first row third column ke hoche 9 hoche, c equal to 9. Suppose q ro value pachala, q third row and second column, 83rd row second column ke hoche 14 hoche, so q equal to 14 and so on. So very easy, kichi driver nahi etre, easy, very easy. Respective elements are also equal. Equal matrix means orders are equal and respective elements are also equal. Then next you, okay, next time asiva addition and subtraction of matrices. Okay, so write down, likhi diyo theek hai, addition and subtraction of matrices. Acha kitna point mon rakho, addition subtraction point kichi point mon rakho. Point number 1, addition and subtraction is possible only when their orders are equal. Only when they order are equal. Data matrix ro jodi order equal nathibo tahale tar addition kimba subtraction hi paribo nahi. Addition and subtraction operation jo achi ko case re possible jete bele data matrix ro order same thibo, m1 n1 equal to m2 n2 thibo. Then next point kon mon rakhe rachi, in case of addition and respective elements, in case of subtraction subtract respective element. What element ko ame kemti represent koruche, aij represent koruche what element ko. So jodi tame first matrix ro first row first column element nocho taku tame add karibo second matrix ro first row how first column elements set. But example dile clear hai jibo. Suppose ana what a matrix naba 5 7 3 2, aa set ame suppose add kariba aa what a matrix 11 15 21 30. Suppose dekho our order kon, our order hochi 2 into 2 2 rows and 2 column, our order kon again 2 rows 2 column, tale a data ame addition kori pariba. Dekho kon asibo addition hale, acha respective element first row first column, first row first column, so 5 plus 11 16, then 15 plus 7 21, then 3 plus 21 24, 2 plus 30 32. Respective elements gudaku ame add kale. Then ame suppose itu ame subtract kariba aude matrix, suppose subtract kariya, suppose aude matrix achi seta suppose
11, suppose 10, 20, 21, 30. ऑर्डर इक्वल अच्छी एटा 2/2 एटा मध्ये 2/2 हमें सबस्ट्रैक्ट करि पाइबा सो 16 माइनस 10 6 21 माइनस 20 1 24 माइनस 21 3 32 माइनस 30 2 सो ए दिटा एडिशन आला जहां आसला पुणे एटा जदी माइनस कर एटा आसला एग्जांपल ऑफ एडिशन एंड सबस्ट्रैक्शन मैट्रिक्स टा जदी ऑर्डर सेम थिवो ताले तमे ऐड करि परिबो और सबट्रैक्ट करि परिबो पूरा सिंपल जेमते आमे नंबर एडिशन सबट्रैक्शन करचे सेमते ही होबो किंतु हमहु ध्यान रखियो पडिबो तमे फर्स्ट मैट्रिक्स रो जो एलिमेंट्स टा तमे नोउचो सेकंड मैट्रिक्स मध्य से एलिमेंट टा नेकी तमे ऐड करिबो एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस रे गुटे जिंस मन रखो the order of the resultant matrix is also same dekho data same order thile hi tumhe add kar paribo ki ba subtract kar paribo dekho r order hochi 2/2 r order hochi bhi 2/2 joda result barla r addition pore joda asla seta modhe kete ala 2/2 similarly ame jodi minus kole r order 2/2 r order bhi 2/2 resultant ra order bhi 2/2 सो आउ गुटे पॉइंट लिख दियो इन केस ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस द रिजल्टेंट इज आल्सो ऑफ सेम ऑर्डर देन जीवा हमें मल्टीप्लिकेशन तो हमें देखिवा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रे दो प्रकार मल्टीप्लिकेशन आसे गुटे होची तमरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन बिटवीन matrices okay so what is scalar multiplication of matrix dekho scalar multiplication mane multiplication with a constant for example suppose tumhe k multiply karo a b c d tale simple r value asibo k a k b k c and k b this is jemti tumhe bracket re multiply karcho same process so multiplication with a constant se constant ka bracket bhitru ku jai kiri each and every element se to multiply ho okay so our example ame naba suppose 5 into 6 7 8 9 सो एटा आसी जीवो 30 35 40 and 45 वेरी सिंपल जहां भी कांस्टेंट अच्छी ताको ईच एंड एवरी एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई करके लिख दियो सो हमें आउ गोटे जिनस भी कर पाइबे सपोज गोटे अच्छी 12 15 21 एंड 24 सपोज एटा ओटे मैट्रिक्स अछि ए जो मैट्रिक्स रो हमें 3 कॉमन बाहर करबा जदि इक्वल टू 3 हमें जदि कॉमन बाहर करबा एटा केते जो 4 5 7 8 एमति मध्य हमें लेखि पर सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ ए कॉन्स्टेंट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट आम जीवा मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस जोटा की वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छा देखो कितना पॉइंट मन रख मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रे सी गोटे जिन समान रखो एडिशन और सबट्रैक्शन रे हमर कौन होतला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल होतला किंतु
80 ऑर्डर इक्वल हवा दरकार ना इक्वल हेले भी हम कि कौटा एसेनसीयल देख ये देख फॉर मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मन रख फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स ठीक अच्छे सो फर्स्ट मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज इट क्लियर फर्स्ट मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स लेट द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर एन वन बाय एम वन बाय एन वन सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर एम टू बाय एन टू ताले फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम कोडा एन वन सेकेंड मैट्रिक्स रो रोज एम टू एन वन इज इक्वल टू एम टू हवा निहाती दरकार अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन हो पारिबो नाही देखो एठी ए बी इक्वल टू बी ए सब केस रे एटा इक्वल हो पारिबो नाही जेबते हमें मैथमेटिक्स रे लेखले ए बी इज इक्वल टू बी ए एटा सब केस रे गोटे केतरा केस रे ट्रू हो पारे बट सब केस रे ट्रू होबनी ए बी इज इक्वल टू बी ए सो नेक्स्ट टाइम आसला देखो मल्टीप्लिकेशन देखिला सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए दिटा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करियो प्रथमे हमें देखिला ऑर्डर कोन अछि मैट्रिक्स और ऑर्डर कोन अछि टू रोज एंड टू कॉलम्स 2 इनटू 2 अछि और ऑर्डर कोन अछि आर ऑर्डर अछि टू रोज आउ थ्री कॉलम्स दीटा रो अछि तीनटा कॉलम अछि ताले नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स ताले एटी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स होची एटी आमे मल्टीप्लिकेशन कर परियो अच्छा वर्तमान ठीक है ध्यान से देखो ऑब्जर्व करो सीखो आउ सफिशिएंट प्रैक्टिस करो देखो मल्टीप्लिकेशन टा हमर केमथि हो ओके प्रथमे तमे देखो रो सिलेक्ट करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन एटा रो हेला एटा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट रो रो એટલે કોલમ રે એટા ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એટા સેકન્ડ એલિમેન્ટ સો વર્તમાન તમે રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ ગુડા કુ મલ્ટીપ્લાય કરી કરી એડ કરી આરો છે ફર્સ્ટ ઇનટુ ફર્સ્ટ ને 3 ઇનટુ 1 3 પ્લસ સેકન્ડ ઇનટુ સેકન્ડ 4 ઇનટુ 2 8 હેગલા ધેન ધેન અમે આસીબા आउ गोटे कलम को आसा कौन हम फर्स्ट इंटु फर्स्ट सिक्स सेकेंड इंटु सेकेंड टेन देन सेमती थर्ड टा को आसवा फर्स्ट इंटु फर्स्ट नाइन प्लस सेकेंड इंटु सेकेंड सेकेंड इंटु सेकेंड ट्वेल्व हेगला बर्तमान कौन है हमारो रो और कॉलम रे मल्टीप्लिकेशन है गला हमें फर्स्ट तीन टा एलिमेंट पाई गले देन हमें आसे उपड़ी वो सेकंड रो को आसे सेकंड रो रे सिंथि मल्टीप्लाई करिवा फर्स्ट इनटू फर्स्ट 7 प्लस सेकंड इनटू सेकंड 32 फर्स्ट इनटू फर्स्ट 14 प्लस सेकंड इनटू सेकंड
40, again first into first, 21 plus second into second, 48. Row into column. First row asigala, since the second term be row into column. Hegala, then bortaman ame dekhiba total da kete asigala eta 11 16 21 then 39 54 54 69. So age insert are both important, multiplication re, and you need, this is something new, you need sufficient practice. Bartaman tumhe mane bohiro up to question number 10 aram se work out koi pehle. So solve question number 6, 7, 8, 9, 10 from your element book. Previous video re ame solve kale 1, 2, 3, 4. 4 percent solve kartile. 5 to 10 easily you can solve. Thank you very much.